मोहम्मद सलवात رحم الله من قرأ الفاتحة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الملقب بطه وياسين ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد عزیزان گرامی ارشاد رب العزت ہے کہ پروردگار عالم اپنی کتاب کی ابتدا اور اپنی کتاب کی شروعات میں اپنی کتاب کو بھیجنے کا مقصد لوگوں کے سامنے بیان فرما رہا ہے کہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے. اس کتاب کا کام کیا ہے؟ اس کتاب کا فائدہ کیا ہے؟ ہدی للمتقین, یہ کتاب صاحبان تقویٰ کے لیے مجسم ہدایت ہے. یہ ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے بھیجی گئی ہے, ان کی تربیت کے لیے بھیجی گئی ہے. متقی کون ہے؟ صاحبان تقویٰ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں. ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون, اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے اسے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. کل کی مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایمان بالغیب کیا ہوتا ہے. بندہ اگر خدا کے اوپر ایمان رکھتا ہو تو یہ ایمان اس کو کتنی طاقت دے دیتا ہے. وہ جادوگر جو رسیوں سے کھیلنے والے,
जादू दिखा दिखा कर लोगों को पैसा कमाने वाले थे, जिनके जादू की कोई हकीकत कोई औकात नहीं थी। सब जानते थे कि ढोंग ढोंग है, खेल है, आँखों का तमाशा है, नज़रबंदी है, या जो कुछ भी है, जादू है, टोना है, और इसके अंदर कोई हकीकत नहीं रखी हुई है। मगर उसके बावजूद भी वो जादूगर जब ईमान की मंजिल में आए तो इतने मजबूत हो गए, इतने सॉलिड हो गए कि फिरौन ने झुकाने की कोशिश की मगर नहीं झुके, और कहा आमन्ना बिरब हारून व मूसा, कि हम हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए। तो अज़ीज़ान गिरामी, खुदा ने किताब को भेजा कि कुरान उसे हिदायत देगा जो मुत्तकी होगा, और मुत्तकी होने की सबसे पहली शर्त यह है कि इंसान का ईमान बिलगैब हो। देखिए बात कहाँ तक जाती है। मैंने अर्ज़ किया था कि मुत्तकी होने का मतलब ये नहीं है कि आदमी तस्बीह हो, गंदे कपड़े हों, गंदे बाल हों, आदमी दुनिया का कोई काम ना करता हो, घर बार से कोई मतलब ना हो, बीवी बच्चों से उसको कोई रगबत ना हो, उसे कहते हैं ये बड़े अल्लाह वाले हैं, बड़े नेक हैं, बड़े सीधे हैं। नहीं, कुरान की नज़र में ये मुत्तकी नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर इनके पास ये सब कुछ है, सबसे पहली शर्त है ईमान की, इस्लाम तकवे की, कि इस्लाम कहता है कुरान ने कहा कि तकवे की सबसे पहली शर्त यह है कि ईमान बिल गैब होना चाहिए। गैब के ऊपर जितना ईमान मजबूत होता चला जाएगा उतना तकवा मजबूत होता चला जाएगा। हमारे यहाँ क्या है कि हम मुत्तकी होने के लिए ईमान की शर्त नहीं समझते। देखिए तवज्जो फरमाइएगा, मैं एक दुनिया के पूरे दुनिया के एक जो माहौल है, मिजाज है, तो पूरी दुनिया में जो थिंकिंग है, जहनियत है, ख्याल है, उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी हमारे यहाँ किसी को मुत्तकी और परहेजगार कहा जाता है तो हम अमल की बात करते हैं कि फलां साहब इतनी नमाजें पढ़ते हैं, इतने रोज़े रखते हैं, इतने हज करते हैं, हर महीने ज़ारत के लिए जाते हैं, हर साल इतनी खैरात करते हैं, इतना काम करते हैं, जो कुछ भी कोशिश होती है, जो कुछ भी अमल होता है, जो भी कुछ भी किरदार होता है इंसान का, जब हम उसको देखते हैं, उसको देखने के बाद ये कहते हैं कि इतने बड़े मुत्तकी हैं। क्यों? इतना सब कुछ अमल कर रहे हैं, लेकिन कुरान की इब्तदाई आयत में, शुरू में कुरान ने कहा हुदल्लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। लेकिन मुत्तकी वो नहीं है जो इतना अमल करता हो। अमल की मंजिल बाद में आती है, पहले ये देखो कि ईमान की किस मंजिल के ऊपर है। अगर ईमान बिलगैब मजबूत है तब अमल की मंजिल आएगी। जिसके यहाँ ईमान ही खोखला हो, इरफान खुदा ना हो, अपने परवरदिगार को ना पहचानता हो, तो जब इरफान खुदा नहीं है, ईमान नहीं है, तो फिर ये अमल किस काम का है? अमल जाहिर का नाम है, ईमान बातिन का नाम है। जब अंदर से दिल खोखला होगा तो फिर इस अमल की कोई कीमत नहीं होगी। यही वजह है कि फिरौन के दरबार में जादूगर ईमान ले आए, एक वक्त की ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना कोई नेक अमल किया, और कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, सीधे जन्नत में पहुंच गए। पूरी जिंदगी जो जादूगरी कर रहे थे, जो गलत और हराम रास्ते की रोजी कमा रहे थे, लेकिन जब ईमान आ गया, यही ईमान उनको ईमान जन्नत तक ले गया और जन्नत तक पहुंचा दिया। तो अजीजान गिरामी, आपने पहचाना कि ईमान बिलगैब उस मंजिल पर होता है, उस बुलंदी पर होता है कि अगर किसी के दिल में आ जाए तो फिर ये ईमान बिलगैब तकवे की पहली मंजिल बनता है। एक सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। यह गैब पर ईमान क्या है? वाकई अपने इस अकीदे को अगर हम मजबूत करें तो बहुत आगे जा सकते हैं। मुसलमानों की आज परेशानी यही है। रोज़े अव्वल पैगंबर के जमाने में जो मुसलमान मजबूत थे, ताकतवर थे, आगे बढ़ रहे थे, सरकार दो आलम ने जिस तरीके से तरबियत की, उसकी वजह क्या थी? ईमान बिलगैब मजबूत था, अल्लाह के ऊपर एतमाद था। कहा 313 निहत्ते आदमी, दो चार दस तलवारें, एक घोड़ा, और उसके बाद किसी के पास कुछ नहीं, और उधर से 1000 का पूरा लश्कर जर्रार, असलहे से लैस, घोड़े, ऊंट, सब कुछ हैं, और जंगे बद्र हो रही है, जंगे बद्र हो रही है। पैगंबर सबको मैदान में लेकर आ गए, 1000 के मुकाबले में 300 आदमी, उनके पास तलवारें भी हैं, असलहे भी हैं, घोड़े भी हैं, ऊंट भी हैं। आज की जबान में यह कह लीजिए कि एक फौज है जिसके पास बंदूक भी नहीं है, दो चार टूटी फूटी बंदूकें हैं,
और एक फौज है जिसके पास टैंक भी है, बख्तरबंद गाड़ियां भी है, ट्रक भी है, मिसाइल भी है, सब कुछ है, पूरी फौज उधर से आ रही है। अब ये खाली हाथ निहत्ते उनसे लड़ेंगे कैसे, ये उनसे कैसे लड़ेंगे? लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, बद्र कुबरा में लोगों ने देखा, तारीख में तारीख गवाह है, खुद कुरान मजीद की आयतें गवाह हैं कि जब मुसलमानों ने खुदा के ऊपर एतमाद किया, अपने रसूल का कहना माना, पैगंबर के साथ मैदान में उतर गए, तो बज़ाहिर निहत्ते थे, खाली हाथ थे, उधर से पूरा लश्कर था, लेकिन इधर से भी तीन आदमी निकले, उधर से भी तीन अफराद निकले, तीनों ने, इधर वालों ने, मौलाए कायनात थे, जनाब हमजा थे और अबू उबैदा थे, ये इन लोगों ने उन लोगों को कत्ल कर दिया। और जब दुश्मन मारे गए तो जैसे ही कुफ्फारे कुरैश के आदमी मारे गए, एक मर्तबा भगदड़ मच गई और पूरी फौज फरार कर गई, मुसलमानों ने इस जंग को जीत लिया। तो अज़ीज़ाने गिरामी, ये क्या है जो 1000 आदमी के मुकाबले में 300 लोगों को ला के खड़ा कर रहा है और वो भी खाली है, निहत्ते हैं? बस सवाल ये है कि ये पैगम्बर के ऊपर ईमान रखते हैं या नहीं रखते हैं? जो पैगम्बर ने वादा दिला दिया कि खुदा की मदद आने वाली है, फरिश्ते आने वाले हैं, तो जब खुदा की मदद पर इन्होंने यकीन कर लिया, जब यकीन कर लिया और मैदान में उतर गए, खुदा ने कहा तुम्हें भी मेरे गैब पर ईमान है, तो मैं भी अपनी गैब से इमदाद भेज रहा हूं, अपने फरिश्ते भेज रहा हूं जो दिखाई नहीं देंगे मगर तुम्हारी मदद करते रहेंगे। बस अज़ीज़ाने गिरामी, फरिश्तों को यकीन था, फरिश्तों को, इंसानों को, मुसलमानों को यकीन था कि फरिश्ते आ रहे हैं लेकिन इनको देख नहीं रहे थे, ईमान बिल गैब था, मुसलमान मैदान में उतर गए, खुदा ने फतह कामयाबी अता कर दी। लेकिन अगर कहीं किसी मंजिल पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है और उन्हें खुदा की ईमान पर, खुदा की इमदाद पर, फरिश्तों के ऊपर एतमाद नहीं हुआ बल्कि अपनी फौज के ऊपर एतमाद हो गया, तो वहां मुसलमान हार गए और शिकस्त खा गए। आपने देखा ईमान बिल गैब क्या करता है कि अगर खुदा के ऊपर भरोसा हो तो परवरदिगार भी बंदे के ऊपर भरोसा करता है, और अगर बंदा ही खुदा के ऊपर भरोसा ना करे तो खुदा भी भरोसा नहीं करता। एक सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा अपने परवरदिगार को पहचाने, अपने माबूद को पहचाने, अपने खुदा को पहचाने, अपने रब को पहचाने, और अपने गैब पर ईमान को हम जितना मजबूत करते चले जाएंगे, जितना मुस्तहकम करते चले जाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये ईमान हमें बुलंदी तक पहुँचा देगा। क्या है ईमान बिल गैब, कैसी कैसी ताकत देता है इंसान को, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, आज बयान मुझे ज़रा जल्दी मुकम्मल करना है। ये तो था फिरौन के दरबार का वाकया कि जो जादूगरों के ऊपर था, लेकिन फिरौन के दरबार का दूसरा वाकया सुनिए। एक मर्द और एक औरत, रजुल मोमिन यक्तुमु ईमानहु, एक मोमिन मर्द है जो अपने ईमान को छुपा रहा है, वो भी फिरौन के दरबार में है। एक मोमिन औरत, औरत है, खातून है, बीबी है, मोमिना है, ये भी अपने ईमान को छुपाए हुए हैं। और कहाँ रहते हैं ये लोग? मक्के में, खाने काबा के अंदर, मस्जिद नबवी में, फिरौन के दरबार में। ये मोमिन आले फिरौन, फिरौन के दरबार में रह रहे हैं। वो मोमिना फिरौन के दरबार में नहीं रह रही बल्कि फिरौन की ज़ौजियत में रह रही है, फिरौन की बीवी है, फिरौन की बीवी है जनाब आसिया सलामुल्लाह अलैहा। इतनी मोहतरम खातून जो फिरौन अना रब्बुकुमुल आला पूरे मिस्र को अपना गुलाम बनाए हुए है, पूरे मिस्र के ऊपर हुकूमत कर रहा है, हर एक से कह रहा है कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, लोग उसके सामने सजदा कर रहे हैं, उसको अपना खुदा मान रहे हैं, लेकिन उसी फिरौन के बराबर में रहने वाली, बराबर में सोने वाली उसकी मलका, उसकी रानी मलका बिल्कीस वो है जो इस फिरौन को खुदा नहीं मानती है बल्कि वो किसी और को खुदा मानती है। अरे सबसे ज्यादा ईमान तो बीवी को लाना चाहिए शौहर के ऊपर, जो देख रही कि कितना जाहो जलाल है, कितनी अजमत है, कितनी बड़ी हुकूमत है, कितनी बड़ी दौलत है, कितना बड़ा महल है, कितनी आसाइशें हैं, कितना आराम है, सब कुछ मेरे कब्जे में फिरौन ने दे रखा है। तो सबसे ज्यादा ईमान तो इस बीवी को लाना चाहिए फिरौन के ऊपर, और सबसे बड़ी इबादत गुजार होना चाहिए। मगर ये क्या इनकलाब जमाना है कि फिरौन की बीवी होकर फिरौन के ऊपर ईमान नहीं ला रही है? बस अज़ीज़ान-ए-गिरामी, में अपनी माओ बहनों से यही कहूँ
कहूंगा कि आज का माहौल गलत है। हो सकता है किसी बच्ची को, हमारी बहन को, किसी औरत को, किसी खातून को कोई गलत शौहर मिल जाए, बेअमल शौहर मिल जाए, गलत किस्म का लड़का मिल जाए, किस्मत से कहीं आपने तहकीक नहीं की और गलत जगह शादी हो जाए, कितना ही बुरा बच्चा हो जाए, कितना ही बुरा इंसान आपको शौहर मिल जाए, लेकिन फिरौन से ज्यादा बदतर नहीं हो सकता। आज के जमाने में माहौल खराब है, सब कुछ है। मेरी बहनें सुने, बच्चियां सुने कि कितना ही बुरा से बुरा माहौल हो जाए, बुरे से बुरा इंसान शौहर आपको मिले, मगर फिरौन से बदतर नहीं हो सकता, फिरौन से बुरा नहीं हो सकता, ये रब्बकुम अला का दावा नहीं कर सकता है। लेकिन जनाब आसिया का किरदार और कैरेक्टर बता रहा है कि जब ईमान की रोशनी दिल के अंदर बैठ जाती है तो चाहे तुम फिरौन के दरबार में रहो, नमरूद के दरबार में रहो या कहीं और रहो, खुदा पर ईमान और एतकाद ऐसी चीज होती है जो दुनिया की दौलत से नहीं होती है, जो दुनिया के जाओ हशम से नहीं डरती है, उसके यहां खौफ पैदा नहीं होता है। क्यों? जब खुदा के ऊपर भरोसा हो गया तो दुनिया की हर चीज छोटी और मामूली और हकीर हो जाया करती है। बस अज़ीज़ाने गिरामी, ये जनाब आसिया का कमाल किरदार था कि फिरौन के दरबार में भी रहकर आसिया को अपने रब के ऊपर इतना एतमाद था, परवरदिगार के ऊपर इतना एतमाद था कि फिरौन के सामने सर नहीं झुका रही है। पूरी दुनिया, पूरा मिस्र फिरौन को सजदा कर रहा है मगर आसिया फिरौन के सामने सजदा नहीं कर रही है। ये कौन सी दौलत है? कायू मेनूना बिल गैब, इनके दिल में वो ईमान पाया जाता है कि दुनिया की हर चीज इनके सामने झुकती हुई नजर आती है। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह है जनाब आसिया का किरदार और मुलाहिजा फरमाएंगे आप क्या है जनाब आसिया। दुनिया की चार खवातीन में, बुलंद मर्तबा खवातीन में जनाब आसिया का करैक्टर है, जनाब आसिया का तस्करा होता है। और हकीकत यह है कि हम जनाब आसिया के साथ इंसाफ नहीं करते। बहुत सी बीवियों का तस्करा होता है लेकिन जनाब आसिया का तस्करा जिस तरीके से होना चाहिए, जो जिक्र होना चाहिए, जो उनकी अजमत हमारी बच्चियों को बताया जाना चाहिए, ये नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि हमें नहीं बताया गया, इस चीज़ों का तस्करा नहीं होता है। लेकिन उस बीबी को जिसे खुदा ने उन चार और मोहतरम खवातीन में रखा है, क्यों? इसलिए कि जनाब आसिया ने कुर्बानी दी है, फिरौन की जौजा थी मगर नबी खुदा की हिफाजत कर रही हैं, जनाब मूसा की हिफाजत कर रही हैं, जनाब मूसा को परवान चढ़ा रही हैं, फिरौन के शर से बचा रही। तो जनाब आसिया कायनात की अजीम चार खवातीन में शामिल हो गई, जनाब मरियम के हम पल्ला आ गई, जनाब मरियम के बराबर आ गई, जनाब सारा जो पैगंबर नबी खुदा की जौजा हैं उनके बराबर आ रही हैं, जनाब मरियम जो जनाब ईसा की मादर गिरामी हैं, मासूमा हैं, जो खाने खुदा में खिदमत कर रही हैं, उन जनाब मरियम के बराबर आ रही हैं। तो आपने देखा कि फिरौन के दरबार में एक काफिर की जौजियत और काफिर की बीवी होने के बावजूद भी इस मंजिल पर पहुंच गई ईमान की कि उस मंजिलत पर आ गई कि जहां वाकई मासूमा के अलावा कोई नहीं नजर आ रहा है, किरदार की पाकिजगी के अलावा कोई नहीं नजर आ रहा है। बस अज़ीज़ाने गिरामी, ये क्या है कि जो जनाब आसिया को इस मंजिल तक ले जा रहा है? सिर्फ एक चीज़ है, उसका नाम है ईमान बिल गैब। और आपको बताऊं मैं कि जनाब आसिया का पूरा वाकया नहीं पढ़ना है, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। जनाब आसिया का किरदार कहाँ है? ईमान बिल गैब किस मंजिल पर है? वो मंजिल आई कि जब जनाब आसिया का किरदार फिरौन के सामने खुल के आया और फिरौन को मालूम हुआ मैं हर एक से सर झुका रहा हूँ, मैं हर एक से अपना कलमा पढ़वा रहा हूँ, हर एक के सामने अपनी खुदाई का ऐलान कर रहा हूँ और सब मुझे खुदा मान रहे हैं और यही नहीं मान रही है, जो मेरी बीवी है, मेरी जौजा है, यही मुझे खुदा नहीं मान रही है। फिरौन ने कहा मैं तुझे कत्ल करा दूंगा। जनाब आसिया से कह रहा है कि मैं तुझे कत्ल करा दूंगा। ऐसे मौके पर एक मोमिना का किरदार क्या होता है? क्या नहीं मुझे कत्ल ना कराना, मर जाऊंगी, क्या होगा? ऐसे एक औरत तो वैसे ही डरपोक होती है, औरत के अंदर वो बहादुरी नहीं पाई जाती है। लेकिन कुरान के अल्फाज है अज़ीज़ाने गिरामी, जब जनाब आसिया ने देखा कि फिरौन मुझे कत्ल करा देगा, बचने का कोई चांस नहीं है, या तो ईमान को हाथ से जाने दूं, मेरा ईमान चला जाए और जिंदगी को बचा लूं, या जिंदगी दे दूं ईमान बिल गैब को बचा लूं। तो एक मर्तबा जनाब आसिया ने हाथों को बुलंद किया, रब्बे इब्नी ली बैत इंदका बैतन फिल जन्ना, ए परवरदिगार ये महल मुझे नहीं चाहिए,
फिरौन का पहल मुझे नहीं चाहिए, अपने पास जन्नत में मेरे लिए घर बना दे। ये जनाब आसिया की दुआ है, हदीस नहीं है, रिवायत नहीं है, तारीख नहीं है, कुरान मजीद की आयत है। परवरदिगार को ये आसिया की दुआ इतनी भाई कि खुदा ने इसको कुरान मजीद का हिस्सा बना दिया। रब इब्ने ली इन्ना का बैतन फिल जन्ना, परवरदिगार जन्नत में मेरे लिए अपने पास एक घर बना दे। बस अजीजाने गिरामी, आपने देखा कि जब ईमान बिल गायब होता है, खुदा के ऊपर ईमान होता है, तो इंसान को दुनिया के घरों की तमन्ना नहीं रहती। फिरौन के महल में भी अगर कोई खातून रहती है, औरत को अच्छे से अच्छा घर चाहिए, अच्छे से अच्छा डेकोरेशन चाहिए, अच्छे से अच्छा महल चाहिए, अगर रानी भी हो उसको 10 महल 20 महल 50 महल चाहिए, तो अजीजाने गिरामी आसिया की फितरत भी यही होना चाहिए थी। फिरौन से कहती, ठीक है मैं तेरे ऊपर ईमान ला रही हूँ, तुझे खुदा मान रही हूँ, मगर मुझे ये महल नहीं चाहिए, मुझे दूसरा महल चाहिए, मुझे ऐसा महल नहीं चाहिए, मुझे वैसा महल चाहिए। फिरौन महल बनवा के देता और जनाब आसिया आराम से रहती, मगर आसिया जानती है फिरौन के बनवाए हुए महल में 10 20 साल 50 साल से ज्यादा जिंदगी नहीं गुजार सकती। लेकिन खुदा के यहां अगर एक घर भी मिल गया होता, कयामत हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी मौजूद हो जाएगी। एक सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रब इब्ने ली, परवरदिगार अपने यहां जन्नत में मेरे लिए घर बना दे। और जनाब आसिया की इस दुआ को परवरदिगार ने कुरान का हिस्सा बना दिया। एक मामूली औरत, एक घर में पैदा होने वाली, एक फिरौन जैसे दरबार में बड़ी होने वाली, पलने वाली, उनकी ज़ौजियत में आने वाली खातून, ईमान बिल गैब के इस मंजिल पर है, इस दर्जे के ऊपर है कि कुरान जो किताब खुदा है, मौजज़ा इलाही है, परवरदिगार उसकी दुआ को इसका पार्ट बना रहा है। तो अज़ीज़ाने गिरामी तसव्वुर करें कि ईमान बिल गैब क्या होता है। मैं अपने जवानों से यही अर्ज़ करूँगा कि हम अमल के ऊपर ज़्यादा जाते हैं, फ़ला नमाज, दो रोज़ा, अमाल यकीनन ये सब ज़रूरी हैं, मगर उसकी बेस, उसकी बुनियाद असल ये है कि ईमान बिल गैब होना चाहिए। जिसके पास ईमान मजबूत हो जाएगा, अमल तो खुद ब खुद मजबूत होता चला जाएगा। अगर ईमान कमज़ोर है, आप लाख दुआएं पढ़ें, लाख ज़ियारतें पढ़ें, लाख ज़ियारतों के लिए जाएं, लाख हज करने के लिए जाएं, मगर क्योंकि ईमान कमज़ोर है इसलिए उसकी कोई औकात नहीं है। और नतीजा यही होता है, आप देखें जिन लोगों का ईमान कमज़ोर होता है, ईमान खुदा के ऊपर भरोसा नहीं होता, ईमान बिल गैब नहीं होता है, नतीजा ये होता है कि जहाँ ज़रा सा कुछ हुआ पूरा अमल रखा का रखा रह जाता है और सब पे पानी फिर जाता है। यह है मंजिल। इसी यही वजह है अज़ीज़ाने गिरामी कि हमारा अकीदा शुरू होता है ईमान बिल गैब से, युमिनूना बिल गैब, कुरान की पहली आयत। बस अपने बयान को मुकम्मल कर दूं कि हमारा अकीदा शुरू होता है ईमान बिल गैब से। कुरान कहता है मुत्तकी वो है, पहली सिफत साहिबान तकवा की है कि जो गैब पर ईमान रखते हैं। जब मुसलमान कुरान मजीद पढ़ता है, हाफिज़ान कुरान कुरान की तिलावत करते हैं, तरावी पढ़ने वाले कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, तो यहीं से कुरान का आगाज होता है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में किसी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये साहिबान तकवा के लिए हिदायत है। कौन है साहिबान तकवा? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। तो मुसलमान के ईमान का, इस्लाम की इब्तिदा हो रही है कहाँ से? हिदायत मिल रही किसके जरिए से? ईमान बिल गैब के जरिए से। अगर गैब पर ईमान ना हुआ तो इंसान मुत्तकी नहीं होगा, मुत्तकी नहीं होगा तो उसको हिदायत नहीं मिलेगी। बस अज़ीज़ाने गिरामी, जब मुसलमान इसको पढ़ते हैं, जब खुदा की बात आती है तो कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, हम तौहीद को मानते हैं, अल्लाह को एक मानो, किसी दूसरे के सामने सर ना झुकाओ, किसी दूसरे से ना मांगो, तवस्सुल ना करो, ये ना करो, सिर्फ अल्लाह को मानो। तवज्जो फरमाइएगा, बहुत दूर तक लेके जाना है मुझे आपको। सिर्फ अल्लाह से मानो, सिर्फ उसको समझो, ईमान बिल गैब रखो, सिर्फ अल्लाह को मानो, बगैर देखे हुए मानो। तो अजीज जाने गिरामी, जब ईमान और अकीदा शुरू होता है ईमान बिल गैब से, हम कहते हैं कि हमारे जमाने का इमाम पर्दा गैब में मौजूद है। नहीं तवज्जो फरमाई जाने गिरामी, जब मुसलमान अकीदे का आगाज करता है तो हम कहते हैं कि उस अल्लाह को मानते हैं जिसको कभी नहीं देखा। जब हम कहते, हमसे पूछा जाता है आपका इमाम कौन है, तो हम कहते हैं हमारा इमाम अभी पर्दा गायब में है, खुदा ने उन्हें पर्दा गायब में रखा है। तो हर मुसलमान को परेशानी हो जाती है कि गायब में रहकर इमाम किस तरीके से लोगों की हिदायत कर सकता है, गायब रहने वाले इमाम का फायदा क्या है, जब खुदा पर्दा गायब में रह के तुम्हें मोमिन बना सकता है। और गायब खुदा पर
ईमान रखकर तुम मोमिन और मुसलमान हो सकते हो, तो क्या इमाम गैब पर, इमाम गैब पर भी ईमान रखकर और अकीदा रखकर हम मोमिन नहीं हो सकते हैं? अजीजाने गिरामी, परेशानी ये नहीं है कि गैब पर ईमान की परेशानी है, परेशानी ये है कि गैब में जो इमाम मौजूद है वो तुम्हारे बनी उमैया बनी अब्बास से नहीं है, वो बनी हाशिम अहले बैत से है। अगर किसी और का होता तो सब मान लेते, क्योंकि बनी हाशिम है, फर्जंदे रसूल है, फर्जंदे पैगंबर है, लिहाजा मानने में दुश्वारी है। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। गैब पर ईमान रखते हैं, गैब जो जो कुछ है उसके ऊपर ईमान रखना ज़रूरी है। अगर किसी एक गैब को छोड़ा, जैसे अमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, जितने नबी आए 1,24,000 नबी आए, उसमें 1,23,999 नबियों को आप माने, किसी छोटे मामूली इलाके के कोई नबी को आप ना मानेंगे, इनको नहीं मानते हम। ये क्या नबी थे, मसलन छोटे थे, इलाके में थे, तबलीगी क्या 2-4 साल रहे, उसके बाद शहीद हो गए। मसलन किसी नबी की अगर कोई तौहीन करे, किसी नबी को माने ना माने, तो गोया 1,24,000 किसी नबी को नहीं माना। कुरान ने कहा, मैंने पहले ही दिन अर्ज किया था, कुरान ने कहा यूमिनूना बिलगैब, ये नहीं कहा यूमिनूना बिल्लाह, अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, नहीं गैब के ऊपर ईमान रखते हैं। अब गैब खुदा में जो कुछ भी गायब है और परवरदिगार ने उसको अकीदे से जोड़ा है, अगर उसके ऊपर ईमान नहीं है तो यह आदमी मुत्तकी नहीं बन सकता। अजीजाने गिरामी, अब आपने फलसफा समझा, राज समझ में आया कि कुरान मजीद की तिलावत सब करते हैं, कुरान मजीद को हिफ्ज़ सब करते हैं, कुरान मजीद को पढ़ते सब हैं, इतनी ज्यादा तिलावत होती है, मगर इतना पढ़े जाने के बावजूद भी कुरान से हिदायत क्यों नहीं मिल रही है? अरे कुरान ने पहले ही दिन ऐलान कर दिया, मैं हिदायत उसी को दूंगा जो मुत्तकी होगा, और मुत्तकी वही हो सकता है जो गैब पर ईमान रखता है। और गैब पर ईमान का एक हिस्सा इमाम गैब पर भी ईमान है। बस जो लोग इमाम गैब को नहीं मानते हैं और इमाम गैब पर ईमान नहीं रखते हैं वो मुत्तकी नहीं है। जब मुत्तकी नहीं है तो कुरान तो पढ़ते हैं मगर हिदायत कुरान तक नहीं पहुंच पाते हैं। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह है मंजिल ईमान बिलगैब की, समझें और तवज्जो फरमाएं इसको। लिहाजा अपने ईमान को मजबूत करें, खुदा को समझें, परवरदिगार की मारफत हासिल करें, उसी से उस मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं। ईमान कमज़ोर है तो इंसान कुछ नहीं, और ईमान मजबूत है तो इंसान सब कुछ है। बस अज़ीज़ाने गिरामी, बयान को मुख्तसर कर रहा हूँ। जनाब इमाम हुसैन मैदान करबला की तरफ आ रहे हैं। कहाँ से आए थे हुसैन? मक्के से आए थे, जहाँ लोग हज कर रहे थे। एक ऐसा भी मुकद्दर वाला हाजी था जिसने उसी साल हज किया, और हज करने के बाद न जाने उसको क्या जल्दी थी, उसका मुकद्दर, उसकी किस्मत उसको बड़ी तेज़ी की तरफ कूफे से लेकर आ, कूफे की तरफ ला रही थी। हुसैन का काफ़िला क्योंकि बच्चों के साथ था, औरतों के साथ था, लिहाजा इमाम हुसैन थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। मगर इस मोमिन को, इस हाजी को ज़रूरत थी। बस अज़ीज़ाने गिरामी, इन्होंने हज किया, हज करने के बाद अपनी सवारियों को दौड़ाया, कूफे की तरफ चले। रास्ते में आए तो जहाँ कहीं भी फर्जंद हुसैन, फर्जंद रसूल का खेमा लगता था, ये अपने खेमे को दूरी पर लगाते थे, अलग रहते थे, कहीं हुसैन से मुलाकात ना हो जाए, मौला से मुलाकात ना हो जाए। बस एक मरतबा मंजिल हुआ आई कि जहाँ मजबूरन इमाम के खेमे के पास खेमा लगाना पड़ा। आप समझ गए ये कौन थे, ये इमाम के मानने वाले अभी नहीं थे, मौला से कुछ थोड़ा दूर थे, फासले पर थे, हज करके आ रहे थे, मगर हुसैन से दूर थे। लेकिन हुसैन जानते हैं कि कौन कौन मेरे साथ आने वाला है, कौन मेरे करीब आने के करीब है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सकासिद को भेजा, कहा जाओ सामने खैमे में जो मालिक है, जो आका है, उसको बुला कर लाओ। बस अज़ीज़ाने गिरामी, रिवायत कहती है कि वो गया इमाम का कासिद, और जाने के बाद जनाब ज़ुहैर इब्ने कैन के पास आया और कहा तुम्हें फर्जंद रसूल ने बुलाया है। कहा मैं कैसे जाऊँ उनके पास, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक भी नहीं है। लोगों ने कहा कि तुम्हें गैरत नहीं आती, तुम्हें रसूल का नवासा बुला रहा,
तुम्हारे रसूल का फर्जंद बुला रहा है, जहरा का माजाया बुला रहा है, क्यों नहीं जाते, जरा जाके देखो तो मालूम तो करके आओगे आखिर क्या माजरा है। बस अजादारों वहां से जहर उठे, इमाम की खिदमत में आए, चंद बातें इमाम के उनके दरमियान में आई, न जाने फर्जंद रसूल ने जहर को क्या बताया, ए जहर मुझसे अलग अलग क्यों चल रहे हो, मैदान करबला में शहीदों में तुम्हारा नाम भी है, अरे तुम हज करके आ रहे हो, हज में आज एक हाजी भी मुझे चाहिए। बस अजादारों जैसे इमाम ने यह कहा, जहर ने अपना खेमा इमाम के साथ लगाया और उसके साथ साथ इमाम के साथ मैदान करबला में आ गए। जब जहर का हंगामा आया, आवाज अजान बुलंद हुई, इमाम ने कहा यजीदियों से कहो कि नमाज का वक्त दिया जाए, मगर इमाम से कहा तुम्हारी नमाज कबूल नहीं है, हम नमाज के लिए जग न रोकेंगे। बस जैसे ही जहर ने यह सुना, तस्करे छोड़ रहा हूं जहर के, बस जैसे ही जहर ने सुना कहा मौला मुझे ये बर्दाश्त नहीं है, ये जालिम आपको नमाज ना पढ़ने दे, आप नमाज पढ़े मैं जालिमों को देखता हूं। बस ये वो नमाजी था जो हुसैन के आगे पढ़ा, दुश्मनों से जंग करता रहा और जंग करते करते जमीन पर आया। आजादारो इमाम आगे बढ़े, ए हज से आने वाले, ए रामे हज बांधने वाले हाजी, तुझे शहादत मुबारक हो, हुसैन तुम्हारे लिए गमगुसार है। अला लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन, سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، رزقنا بقضائه وتسليما لأمره، معبود اس مختصر سے بات قبول فرما، ہمارے ناسوں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ایمان بالغیب جو تقوی کا لازمہ ہے، پروردگار ہمارے دلوں میں زیادہ سے زیادہ غیب پر ایمان ودیعت فرما، ہمیں اس غیب پر ایمان پر باقی رکھنا، معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و عوان و انصار میں شمار فرما۔ مالک آخری دعا یہی ہے کہ جب اس دنیا سے جائیں تو اس انداز سے اٹھانا، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت، دوسرے ہاتھ میں تیری کتاب قرآن مجید ہو۔ بحق محمد و آلہ الطاہرین، ماتم حسین۔ हमको आँखें मिले बस रोने रुलाने के लिए, गर्मी आँसू गमे सरवर में बहाने के लिए, हमको आँखें मिले बस रोने रुलाने के लिए, हमको आँखें मिले बस रोने रुलाने के लिए, फौज कई आई है सैयद को सताने के लिए, फौज कई आई है सैयद को सताने के लिए, करबला खून से रंगीन बनाने के लिए, हमको आके मिले बस रोने रुलाने के लिए, हमको आके मिले बस रोने
रुलाने चलिए ये सत अकबर को लिए नहर से जाते हैं हुसैन सत अकबर को लिए नहर से जाते हैं हुसैन लाश आबा से अलमदार उठाने के लिए हमको आके मिले बस रोने भगाने के लिए हमको आके मिले बस रोने रुलाने तेघ से खोदते हैं नन्हे से तुरबाश बीर तेघ से खोदते हैं नन्हे से तुरबाश बीर हक में अपनी कमाई को छुपाने के लिए हमको आके मिले बस रोने रुलाने के लिए हमको आंखें मिले बस रोने रुलाने के लिए रन से रोते हुए आए दर खैमे पे हुसैन रन से रोते हुए आए दर खैमे हुसैन हल बेशीर कबानों को सुनाने के लिए हमको आके मिले बस रोने रुलाने के लिए हमको आके मिले बस रोने रुलाने के लिए हाय अफसोस वो गुस्से में पड़ा शुम्र शखी हाय अफसोस में गुस्से में पड़ा शुम्र शखी सिलिया बाल सकीना को लगाने के लिए हमको आके मिले बस रोने रुलाने के लिए हमको आंखें मिले बस रोने रुलाने के लिए हाय दरबार में जिस वक्त असीरान सितम आए हैं हाय दिखला के बहाते हैं जमीन पर पानी हाय दिखला के बहाते हैं जमीन पर पानी कैसे बच्चों को शखी और सताने के लिए हमको आके मिले बस रोने रुलाने के लिए हमको आके मिले बस रोने रुलाने के लिए हाय दरबार में जिस वक्त असीरान सितम आए दरबार में जिस वक्त असीरान सितम एक चादर भी न थी मुँह को छुपाने के लिए हमको आके मिले बस रोने रुलाने के लिए हमको आके बस रोने रुलाने के लिए घर लुटा खैदी हुए पुष्ट पे खाए दुरे घर लुटा खैदी हुए पुष्ट पे खाए दुरे हाय हाय जालिम हाय जालिम
बस रोने रुलाने के लिए हमको आंखें तुझे बस रोने रुलाने के लिए सर रहे हाथ में किया शाह ने ऐ मास्त फिदा सर रहे हाथ में किया शाह ने ऐ मास्त फिदा जबकि उम्मत को जहन्नम से बचाने के लिए हमको आंखें मिले बस रोने रुलाने के लिए हमको आंखें मिले बस रोने रुलाने के लिए हुसैन 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 मजलूम हुसैन मजलूम हुसैन मजलूम हुसैन मजलूम हुसैन प्यासे हुसैन मजलूम हुसैन प्यासे हुसैन गरीब हुसैन मजलूम हुसैन 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 अस्सलाम वालेकुम आवाम दिल्ला अस्सलाम वालेकुम अपना रसूलिल्ला अस्सलाम वालेकुम अपना अमीरुल मोमिनीन व अपना सैयदुल वसीन अस्सलाम वालेकुम अपना फातिमा ज़हरा सैयदत निसाइल आलमीन अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम या सादाती व मवालिया जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलाम वालेकुम या मौला व इब्न मौला अस्सलाम वालेकुम या गरीब अल गुरमा सुल्तान या अबुल हसन अली इब्न मुसर रजा रूही व जिस्मिल अकल फिदा व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलाम वालेकुम या मौला या साहिब अल असर व ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान अस्सलाम वालेकुम या शरीक अल कुरान अस्सलाम वालेकुम या खलीफत अर रहमान अस्सलाम वालेकुम या इमाम अल इंस वल जान अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु मखरजक व जहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद मरहूम नूर भाई रोशन भाई थरादरा अने मरहूमा फातिमा बहन बिनते मोहम्मद अली माखणोजिया मेहसाना ईसा अलैहि सवाब फातिहा पढ़वा गुजारिश सूरह फातिहा कुल्ले मरहूम मोमिन मोमिनात ईसा अलैहि सवाब।